डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके के गांव के प्राथमिक विद्यालय में शर्मनाक घटना सामने आई है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ने कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली 8 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। आरोपी शिक्षक की करतूत सामने आने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को पेड़ से बांधकर मौके पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया, जिसके बाद आरोपी शिक्षक सहजू खान को निलंबित कर दिया गया है। घटना पहाड़ी थाना इलाके के गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय की है, जहां विद्यालय में कार्यरत सहजू खान प्रबोधक ने कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली बच्ची से घिनौनी और अश्लील हरकत की। नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ विद्यालय पहुंचकर घटना का खुलासा किया तो अन्य शिक्षक घटना को सुनकर सन्न रह गए। हालत बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया और प्रबोधक सहजू खान द्वारा अपनी हरकत को कबूल किया, जिस पर सीबीईओ गीता शेखावत ने आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की अभिशंसा भेजी है और जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रबोधक सहजू खान को निलंबित कर दिया है। कई बच्चे थे वहाँ पर, एक बच्चे से कहा भाई आप दूसरे कमरे में झाड़ लो। देवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मामला क्या पूरा? देखिए सुमित, पूरा मामला जिसको अभी आप सुन रहे थे, दर्शक सुन रहे थे, ये आरोपी शिक्षक है सहजू खान और इसने खुद अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। बकायदा इसने लिखित में ये माना कि मैंने बालिका के साथ छेड़छाड़ की। लिखित में इसने ये बात जिला शिक्षा अधिकारी और जो सीबीओ है उनको ये बात लिखित में कही कि मेरे द्वारा इस तरह की असली हरकत की गई। इसने खुद अपने गुनाह को कबूल किया और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बालिका के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की गई और असली हरकत की गई। और उसके बाद में रावल का जो स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी, उसका उस गांव की पूरी घटना है। ग्रामीणों को जब इस बारे में पता चला तो ग्रामीण गांव वहां पहुंच गए। स्कूल में ना सिर्फ इसको पेड़ से बांध दिया, हालांकि इसके साथ मारपीट नहीं की गई, लेकिन मौके पर जो जिला शिक्षा विभाग से जुड़े अफसर है उनको बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जाकर स्थिति को संभाला क्योंकि बच्ची से छेड़छाड़ का मामला था और जो आरोपी है वो भी 59 साल का है, रिटायरमेंट में 1 साल ही उसके बाकी है, 59 साल की उसकी उम्र है। उस तरह की बात सामने आई और अपने आप में हैरान करने वाली घटना इसलिए सुमित क्योंकि बच्ची लगातार उसने स्कूल आना बंद कर दिया था, वो स्कूल नहीं आ रही थी। परिजनों ने जब उससे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो तो उसने रो रो कर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और उसके बाद पूरी घटना का खुलासा हो सका। जी ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।